हेलो फ्रेंड, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल खुशी नगर एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर का क्या क्या यूज होता है। इससे पहले वीडियो में हम लोग देख लिए थे कि रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है जो कि कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर तथा यूवी हमने रिलेशन भी देख लिए थे, लॉ ऑफ मेकिंग इमेज देख लिए थे और मैग्निफिकेशन भी देख लिए थे, जो कि इस चैप्टर के लिए लास्ट टॉपिक है, यूज ऑफ स्फेरिकल मिरर, अर्थात हमारे दैनिक जीवन में कहां कहां स्फेरिकल मिरर का यूज होता है इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉनकेव मिरर का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है। तो हम देखते हैं कॉनकेव मिरर पहले होता क्या है। हम बताए थे कॉनकेव मिरर में जो हमारा परावर्तक तल होता है वो दबे हुए तल से होता है, अर्थात ये हमारा होता है परावर्तक तल और इसी को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव इसमें हमारा छह केस था जो कि हम इससे पहले वीडियो में पढ़ लिए थे कि जब हम इनफाइनाइट पे कोई वस्तु रखते हैं तो उसका इमेज बहुत छोटा प्राप्त होता है, लेकिन जब हम उसको वस्तु को पोल के समीप लेते जाते हैं तो उसका इमेज लार्ज होते जाता है, और जब हम मुख फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो हमें इमेज रियल ना होकर वर्चुअल प्राप्त होता है और सीधा इमेज प्राप्त होता है। तो अब हम देखते हैं कॉनकेव मिरर का कहां कहां यूज होता है। तो सबसे जनरली हम लोग देखे होंगे टॉर्च देखे होंगे या कार या बाइक के हेडलाइट में यूज देखे होंगे। तो पहला हमारा है टॉर्च या बाइक कार की हेडलाइट देखे होंगे, इसका जनरली यूज होता है। अब इसमें टॉर्च और बाइक में कि कार के हेडलाइट में यूज होता है तो इस कैसे फंक्शन कैसे कार्य करता है इसको देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई वस्तु अगर कॉनकेव मिरर के मुख फोकस पे रखते हैं तो परावर्तन के पश्चात वहां से जो भी लाइट रे निकलती है परावर्तन के पश्चात प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा है मुख फोकस। अब यहाँ पे जो भी टॉर्च या बाइक की हेडलाइट होंगे उसको यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे उसको रख देंगे कि सारी लाइट यहां से भी निकलेगी लाइट है वो रिफ्लेक्शन के पश्चात प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, यहां से लाइट रेज निकलेगी और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ऐसे बहुत सारी लाइट रेज निकलेंगी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे। तो ये हमारा मेन जो होता है टॉर्च बाइक वगैरह में यूज होता है और ये स्ट्रेट जाता है, इसको थोड़ा कुछ एंगल पर झुका देंगे जहां तक वो जरूरी रहेगा वहां तक दिखाई देगा। तो ये इसका फंक्शन होता है जो कि टॉर्च और बाइक में हमारा कॉनकेव मिरर का यूज होता है। अब हम सेकंड देखे होंगे कि हमारा डिश एंटीना या फिर सोलर पैनल में, सोलर कुकर में, इस जगहों पे भी कॉनकेव मिरर का यूज होता है। हमारा डिश एंटीना जो होता है या फिर सोलर कुकर में देखे होंगे, कुकर में भी हमारा कॉनकेव मिरर का यूज होता है। वहां पे क्या फंक्शन कार्य करता है, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता था मुख फोकस से जाने के पश्चात, और इसमें क्या होता है कि आपका जो लाइट ले जाती है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है वो पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के और परावर्तन के पश्चात मुख फोकस ये से ऊपर जाती है। इसमें रहता है, हम लोग देखे होंगे, ये रहता है आपका डिश एंटीना, इस तरह से कुछ लगा रहता है, ये ऐसा सेटअप रहता है, यहाँ रहता है उसका टूल बॉक्स और यहां से लाइट ले जाती है ऐसे और परावर्तन के पश्चात यहाँ पे मुख्य फोकस पे केंद्रित हो जाती है, ऐसे बहुत सारी लाइट ले जाती है। इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं कि बहुत दूर, ऐसा होता है इसमें इनफाइनाइट का मतलब ये है कि कोई चीज हमें जहां तक दिखाई ना दे वो इसके लिए इनफाइनाइट मानी जाती है। ऐसी बहुत सारी लाइट ले जाएंगी जो कि यहाँ पे केंद्रित हो जाएंगे और हमारा सोलर कुकर में होगा यहाँ पे हीट हो जाएगा जिससे
खाना वगैरह जो भी रहता है वो जल्दी से गर्म हो जाते हैं और पकने लगते हैं। तो ये इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अब देखते हैं कि अगला हमारा कॉन्केव मिरर का क्या यूज है। तो थर्ड हमारा है, हम लोग देखे होंगे सेविंग। सेविंग में भी हम यूज करते हैं। सेविंग में क्या होता है कि हम अपना जो भी हमारा इमेज रहता है उसको लार्ज करके देखते हैं। तो हमको पता है जब भी कोई वस्तु हम कॉन्केव मिरर के सामने रखते हैं, अगर ये हमारा होता है फोकस और ये होता है पोल, अगर हम इसके बीच में किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका जो हमें इमेज प्राप्त होता है वो हमारा वस्तु से बड़ा और लार्ज इमेज प्राप्त होता है और सीधा इमेज प्राप्त होता है। यहाँ पे ये होता है हमारा ये फंक्शन काम करता है। ये अगर ओ ओ डैश होगा तो ये हमारा आई आई डैश होगा। अब हम अपने चेहरे को शीशे के सामने मुख फोकस एक और पोल के बीच में स्थापित करेंगे, जिससे कि हमें इमेज जो प्राप्त होगा वो हमें मैग्निफाई करके दिखाएगा, अर्थात लार्ज इमेज दिखाएगा और हमें सीधा इमेज दिखाई देगा। तो इसका हम सेविंग में यूज करते हैं जनरली कॉन्केव मिरर का। और हम देखे होंगे डेंटिस्ट वगैरह भी इसका यूज करते हैं कॉन्केव मिरर का। फोर्थ है हमारा डेंटिस्ट भी यूज करते हैं दांत देखने में। कान के डॉक्टर भी यूज करते हैं, आंख के डॉक्टर भी हमारा कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, दांत के बीच में ले जाके कॉन्केव मिरर को रख देते हैं, जिससे वो हमें जो भी दांत में प्रॉब्लम होते हैं या कान या आंख में जो भी प्रॉब्लम होते हैं वो हमें मैग्निफाई करके दिखाता है और जिससे स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है कान या नाक या दांत में। तो डेंटिस्ट भी हमारा कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं। तो ये थे हमारे मेजर जो कि इम्पोर्टेंट थे, जो हम लोग डेली लाइफ में देखे भी हैं। तो अब देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर का क्या क्या हमारे डेली लाइफ में यूज है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जो हमारा परावर्तक तल होता है वो हमारा उभरे हुए तल से होता है। तो इसमें एक ही केस होता है, जो कि हमारा वस्तु कहीं भी रख देंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे वो हमारा वर्चुअल इमेज प्राप्त होगा, सीधा इमेज प्राप्त होगा और वस्तु से छोटा इमेज प्राप्त होगा। ये हम अगर कोई भी वस्तु रख दी है तो ये जाएगा आपका पैरेलल एज जाएगा, यहाँ पर होता है फोकस एक और यहाँ होता केंद्र सी, यहाँ एक हो जाएगा ये मुख फोकस एक से होकर जाएगा और दूसरी लाइन जो है वो कृता केंद्र सी से होकर जाएगा और यहाँ पे हमें इमेज प्राप्त होता है, सीधा इमेज प्राप्त हो रहा है, वस्तु से बड़ा इमेज प्राप्त हो रहा है, वस्तु से छोटा इमेज प्राप्त हो रहा है। तो ये थे हमारे कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज प्राप्त होता है। इसका केवल एक ही केस है, जबकि कॉन्केव में था हमारा छह केस था। तो अब इसका हम देखते हैं क्या क्या यूज होता है। इसका जनरली जो यूज होता है वो हमारा कार बाइक के जो साइड मिरर होते हैं उनमें यूज होता है, कार या बाइक के साइड मिरर जो होते हैं उसमें यूज होता है। इसमें क्या होता है, जब भी कोई गाड़ी चलती है उसमें जो हमारा इमेज देखना रहता है वो वस्तु से छोटा देखना रहता है। ये नहीं कि कहीं गाड़ी आई तो एक बैग इतना बड़ा हो गया कि हमें दिखाई नहीं दिया, कभी उल्टा हो जाएगा इमेज प्राप्त हो जाएगा, कभी वस्तु से बहुत बड़ा हो जाएगा कभी बहुत छोटा हो जाएगा। तो इसलिए हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, जिससे कि कितनी भी डिस्टेंस पे रहे हमें वस्तु एक समान दिखाई दे। और अगर एक गाड़ी आई, मान लीजिए बाइक आ गई कार के सामने, तो पूरा जगह शीशे को ले लेगी अगर ज्यादा बड़ा इमेज हो जाएगा, जिससे कि उससे पीछे आने वाली गाड़ियां नहीं दिखाई देंगी, जिससे दुर्घटना की संभावना रहती है। इसलिए वहां कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है, जिससे कि एक से अधिक गाड़ियां छोटी करके दिखा देगा। तो यहाँ ये होता है कार और बाइक के साइड मिरर में कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। तो ये था, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या यूज होता है। नेक्स्ट हम लोग देखे होंगे कि जो रोड स्ट्रीट होते हैं वहां यूज होता है। रोड जो होते हैं स्ट्रीट क्या होता है, जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है वो लाइट को डाइवर्ट करता है, अर्थात ये लाइट को डाइवर्ट करता है ये इस तरह से। तो इसका क्या होता है कि रोड लाइट पे जो होता है वहां पे लगा देते हैं,
यहाँ कहीं लाइट रख देंगे, ये लाइट को डाइवर्स कर देगा जिससे बहुत बड़ी एरिया को हम रोशनी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर यहाँ कॉनकेव मिरर का यूज कर देंगे तो क्या करेगा, एक छोटे से एरिया को कवर करेगा जिसका यूज हम लोग लैंप वगैरह में टेबल स्टडी के रूम में करते हैं। यहाँ पे हम लोग रोड लाइट पे जो होता है रोड स्ट्रीट पे, वहां इसका कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं जिससे कि ये बहुत बड़े एरिया को रोशनी प्रदान करता है। और चौथा तीसरा जो हमारा यूज है वो हम लोग देखे होंगे कि मॉल शॉपिंग मॉल में या फिर लार्ज वगैरह में जहां किनारे पे लगा देते हैं कि आने कोई मान लो एक तरफ से कोई व्यक्ति आ रहा और एक तरफ से कोई व्यक्ति आ रहा तो वो एक दूसरे से टकराए ना, इसलिए साइड में लगा देते हैं जिससे कि दोनों लोग शीशे में देख लें किस साइड से आ रहे हैं और एक दूसरे से टकराने से बच जाए, इसलिए मॉल वगैरह में इसका यूज कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। तो ये थे यूज ऑफ स्फेरिकल मिरर जो कि हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं। तो आई होप आपको ये सारे यूज अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।